हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया है लंच करा के। अब हम 12 बजने वाले हैं तो खाना बनाने जा रहे हैं। तो हमने 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी भिगो दी थी, उसको उबाल के पीस लिया। पीस के एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा एक चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच बेसन मिला लिया है। अभी सब्जी बना के दिखा रहे हैं आपको। टमाटर, अब इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे और एक चम्मच नमक थोड़ा सा। और अभी हम बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने इस शेप में बनाया है। आप लोग की जैसी मर्जी है, गोल बनाना हो गोल बना लो, लंबी बनाना हो लंबी बना लो, और मीडियम हॉट तेल में फ्राई करना है। ये देखिए, अब डालने जा रहे हैं। तेल हो गया है हमारा। जितनी आए उतनी ही डालना है। पहले नीचे से अच्छे से हो जाएंगी, तब आपको चलाना है। देखिए, अब ये थोड़ी सी मेथी हमने 4 से 6 दाना डाल दी है, और थोड़ा सा जीरा हमने डाला है, तेज पत्ता डाल दिया, ये 2 तेज पत्ते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी पानी डाल, ये प्याज पिसा हुआ ऐसे में प्याज है, और ये अभी जो सरसों का मसाला बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया। तो अभी डाल के भूनेंगे। नमक को लो, नमक को लो। ये 1 चम्मच नमक डाल दिया स्वाद अनुसार।